त्रैष देवस्वप्ने महिमानमनुभवति यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च दृष्टं च श्रुतं च श्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति स यदा तेजसाभिभूतो भवति त्रैष देव स्वप्नान्न पश्यति अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति यदा तेजसाभिभूतो भवति अत्रैष देवस्वप्नान्न पश्यति अथ तदैतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति स यदा मनोरूपदेवः मनोरूपो देवः यस्मिन् काले सौरेण वित्ताख्येन तेजसा नाडीशयेन सर्वतोभिभूतो भवति तिरस्कृतवासनाद्वारो भवति तदा सह कर्णैर्मनसः रश्मयो हृद्युपसंहृता भवन्ति यदा मनः दारु अग्निवत् अविशेष विज्ञान रूपेण कृत्स्नं शरीरं व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति
Atra etasmin kale esham mana akhyo devaha svapnanna darshanadvarasya niruddhatvat tejasa atha tada etasmin sharire etat sukham bhavati yad vijnanam nirabadham avisheshena Sharira vyapakam prasannam bhavati tyartha Sharira vyapakam prasannam bhavati tyartha Kasya etat sukham bhavati iti asya uttaram तदपेक्षितं वदन्न आह। सो तीन प्रश्नों का महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दे दिया। पहला प्रश्न था कानी स्वपन्ति, दूसरा प्रश्न था कानी अस्मिन् शरीरे जागृति, कान्यस्मिन् जागृति, तीसरा प्रश्न था कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति। अब चौथा प्रश्न है कस्य एतत् सुखं भवति, किसको सुख होता है। तो टीकाकार लिखते हैं कस्य एतत् सुखं भवति इति अस्य उत्तरं तदपेक्षितं वदन्न आह स यदा। सुश्रुति माता स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर आरंभ करती हैं। स स शब्द का अर्थ है मन। यहाँ पर मन वैसे नपुंसक लिंग है, लेकिन देव शब्द के साथ उसका पुल्लिंग व्यवहार हो सकता है। स यदा मनोरूपो देवः, यह जो मनरूप देवता है यही एक ऐसा समय आता है अवस्था त्रय के चक्र में कि उसका प्रवेश हो जाता है पूरी तत् नाड़ी में, माने प्रधान रूप से उसकी जो उपस्थिति है, प्रधान रूप से जो उसका निवास है वो पुरीतत नाड़ी होती है। तो बोलते हैं स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन काले, एक ऐसा काल आता है, एक ऐसा समय आता है जब सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाड़ी सयेन सर्वतो विभूतो भवति। जब यह मन सौर से तेज से अभिभूत हो जाता है, तेज से इस प्रकार से आक्रांत होता है, इस प्रकार से अभिभूत हो जाता है, अभिभूत माने प्रभावित हो जाता है, इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि मन का जो व्यापार हो रहा था और जो विषय विषय के रूप में प्रकट हो रहा था, अनेकात्म भाव को प्राप्त हो रहा था, वासना का भीतर ही भीतर प्रस्फुरण हो रहा था, वो वासना का प्रस्फुरण अवरुद्ध हो जाता है।
देखो ऐसे बोलते हैं, वासना का प्रस्फुरण ही अवरुद्ध हो गया, मानो कि कोई द्वार में से कुछ चीजें निकल रही थी और उस द्वार का अवरोध हो गया, द्वार बंद हो गया। भीतर कुछ इस प्रकार की घटना घटती है। आखिर कोई न कोई बात तो अवश्य ही होनी चाहिए कि कुछ समय पहले जो संचित वासनाएं हैं वो स्वतः स्फुरित होती चली जा रही थीं, और उन वासनाओं के संस्फुरण को ही वहाँ तो विषय विषयी के रूप में अनुभव किया जा रहा था। अनुभूत विषय भी वासना रूप है और अनुभव करने वाला जो विषयी है वह भी वासना रूप है। वासना की इतनी बड़ी महिमा है। बोले विषयी कैसे वासना का रूप बनेगा? अगर ये प्रश्न किया जाए तो मानो जो हमारा मित्र है अथवा कोई भी रूप है, खेत है, खलिहान है, पहाड़ है, नदियां हैं, कोई घटना है, तो उसकी तो वासना बनी हुई है और वो स्फुरित हो गई, वो ठीक है। लेकिन विषयी, विषयी माने क्या होता है? विषयी माने मैं। विषयी तो आप ही हो जो विषय को ग्रहण करता है, विषय को अपना मानता है, विषय से प्रभावित होता है, उसको बोलते हैं विषयी। तो यह जो विषयी है वो वासना का स्फुरण है, इसको कैसे आप बोलते हो? कैसे समझाओगे? तो प्रश्न नहीं आया, कल आना चाहिए था। मैं प्राय ऐसा होता है कि मैं अपरोक्ष है, प्राय ऐसा होता है कि मैं कल्पक है, स्वयं कल्पित देश में मैं का निक्षेप कैसे करोगे? मेरा प्रश्न क्लियर है? विषय तो कल्पित देश में जरूर जा सकता है, लेकिन जो कल्पना करने वाला है, जो उस विषय से, उस दृश्य से प्रभावित होने वाला है, ज्ञाता, भोक्ता, विषयी, तो वह भी वासना का स्फुरण है। इस बात को किस तरह से समझाओगे आप? कोई बात नहीं, तो अध्ययन है तो कोई। हाँ 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 बोले। हाँ और कुछ हो सकता है, बनता है।
चीज़ बनता है। नहीं ठीक है, जो कहा गया वो तो इतना अशुद्ध विरुद्ध नहीं है, एटलीस्ट मन इसको मानस पूजा के संदर्भ में थोड़ा समझो आप। और जब मानस पूजा करते हैं तो मानो भगवान शंकर का आराधन करते हैं, तो मन में शिवलिंग का निर्माण किया और उसके पास बैठ गए। फिर उनको अभिषेक किया, उनका अभिषेक किया दुग्ध धारा से, जल धारा से, फिर शुद्ध गंगा जल से, फिर भस्म लगाई, फिर इत्यादि इत्यादि श्रृंगार किया। तो जब यह आराधना आप करते हो तो आपका वह जो आराधक रूप होता है वो क्या होता है? आता है, समझ में आता है? वह जो उस समय मेरी जो आराधना का मेरा जो रूप होता है वो कल्पित होता है कि नहीं? एक ही कम करें थोड़ा, एक ही चित्ताकाश में शिवलिंग और शिव पूजक दोनों हैं कि नहीं? दोनों भिन्न देश में हैं, एक ही देश में है। दोनों की धातु क्या है? एक ही धातु से दोनों बने हैं ना, कि शिवलिंग पत्थर से बना है और आराधन करने वाला पंचभूत से बना है। पकड़ में आता है ये? क्यों स्पष्ट हुआ? नहीं, बाद में पूछ लेना। किसको स्पष्ट नहीं है? मैंने क्यों भाई तिवारी जी, स्पष्ट हुआ कि नहीं? दोनों ही मनोमय हैं। आराधन करने वाले का शरीर पांच भौतिक वहां पर नहीं हो करके क्या है? मानसिक है, मनोमय है। और जो शिवलिंग है वो भी प्रस्तर प्रतिमा ना हो करके मनोमय है। और दुग्ध धारा मनोमय है, जलधारा मनोमय है, और बिल्व पत्र वो भी मनोमय है। ये देखो, तो यहाँ मन ही विषय विषयी रूप में और अनेकात्म भाव में दिखाई देता है कि नहीं? क्या दिक्कत है? इसको प्रयोग करके देख लेना चाहिए। तो यह जो आप यहाँ पर तो क्या कर रहे हो आराधना के समय में, कि संस्कारों का संकल्प करके उद्भव करा रहे हो, ये हो सकता है? संस्कारों का संकल्प करके प्रस्फुरण कराया जा सकता है, कराया जा सकता है कि नहीं? दिक्कत है मानव, कैसे कराया जा सकता है? चलो आज ऐसे ही पूछ लें। संस्कार तो स्वतः ही उद्भूत होते हैं, तो उनका प्रस्फुरण आप कैसे कराओगे? संस्कार के स्फुरण में आपका कोई कर्तृत्व है क्या? पहले मानव बताएंगे,
धर्मेंद्र जब उठाया जा सकता है तो वो क्या है, कौन सा प्रसंग ऐसा है, कोई दृष्टांत दो। ध्यान काल में श्लोक याद करते हैं उस समय भी उठा सकता है व्यक्ति, नहीं? आखिर स्मृति तो वासना का ही प्रस्फुरण है। स्मृति तो संस्कार जन्य है, और जब आप श्लोक बोलते हो, याद किए हुए श्लोक को बोलते हो, तो उस समय आपने स्वयं कर्तृत्व पूर्वक जो पीछे के संस्कार हैं उनको आपने जगाया, तो संस्कारों को स्वयं भी जगाया जा सकता है ऐसा अनुभव में आ रहा है। और जब आप नहीं भी जगाओगे तब भी संस्कार स्वतः भी उत्थित होते रहते हैं, स्वयं प्रस्फुरित होते रहते हैं, तो ये भी अनुभव में आता है। इस प्रकार से एक भीतर की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि वासना का, संस्कार का तो प्रस्फुरण होता चला जाता है, प्रस्फुरण होता चला जाता है। यह एक सहज प्रक्रिया है, प्राकृतिक स्थिति है, लेकिन भाष्यकार लिखते हैं भीतर पित्त नाम का एक तेज है, एक तेज है। नाड़ी शयेन, वो कहाँ रहता है, नाड़ी में रहता है, नाड़ी शय है, तृतीय विभक्ति बन के नाड़ी शयेन। तेज का नाम क्या है, पित्त आख्येन, पित्त है उसका नाम। ये क्या है, बोले सौरेण, सौरेण का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, अर्थात सूर्य की ऊष्मा उसमें है, एक तरह की गर्मी है उसमें। तो सूर्य की ऊष्मा होने के नाते, नाते तो नहीं कहना चाहिए, यह जो ऊष्मा प्रधान एक तत्व है, टिप्पणीकार लिखते हैं देह धातु, टीकाकार नहीं, टिप्पणीकार, दूसरे नंबर की टिप्पणी है, देह धातु भेदस्य। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि यह घटना कहाँ घट रही है, देह में, दैहिक घटना है ये। अब ये सब आपस में गड्ढ मड्ड है, संघात रूप है। ऐसे तो प्रश्न उठाया जा सकता है कि मन सूक्ष्म है और देह स्थूल है, मन सूक्ष्म है और नाड़ी स्थूल है, मन सूक्ष्म है और पित्त है स्थूल है, तो स्थूल ने सूक्ष्म को कैसे प्रभावित किया, छुआ कैसे उसको। एक सूक्ष्म पंच महाभूत से बना है और एक स्थूल पंच महाभूत से बना है, दोनों का परस्पर संयोग कैसे हुआ, ये तो बात कही जा सकती है। लेकिन संघात रूप जब एक बार हम समझ पाते हैं इसको, तो स्थिति यही है कि स्थूल और सूक्ष्म सभी का परस्पर संबंध है। यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि सूक्ष्म का स्थूल के साथ संबंध है ही नहीं। अगर नहीं होता तो इंद्रियों को गोलक की आवश्यकता क्यों थी, अथवा मन को मस्तिष्क की आवश्यकता क्यों थी। आखिर मस्तिष्क भी तो दैहिक है, स्थूल है, मन का गोलक है मस्तिष्क। ये तो ऐसी असंबद्धता, ऐसी नितांत असंबद्धता है नहीं,
है बड़ी विचित्र स्थिति, मन सूक्ष्म है लेकिन वह प्रभावित हो रहा है पित्त से। हाँ, और जबकि पित्त है देह धातु, स्वयं टिप्पणीकार कहते हैं देह धातु भेदस्य पित्तस्य, देह की तीन धातुएं आयुर्वेद में मानी गई, वात पित्त कफ, उसमें से एक की ये धातु है देह धातु भेदस्य पित्तस्य। अच्छा, भगवान ने उसका नाम सौरेण कहा, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। सौर का क्या अर्थ हुआ? बोले सौरत्वम माने सूर्य उष्मणा, सूर्य उष्मणा नाडी प्रविष्टेन संजात पाकत्वात् इति अवधेयम्। जो सूर्य की उष्मा है वही जब नाडी में प्रविष्ट हुई और परिपक्व हुई तो उस ऊष्मा से यह जो मन है वो आक्रांत हो गया। भाष्य देखें, स बोलो कहाँ हो भाई मानव, बोलो हाँ बोलो बोलो स यदा मनोरूपो देवो यस्मिन काले सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाडीशयेन। देखो इतने शब्द देते हैं, आक्रांत होने वाला है मनोरूप देव और आक्रांत करने वाला है कौन? श्रुति में शब्द है तेजसा, बस तेजसा अभिभूतो भवति। उस तेजस की अब व्याख्या करते हैं भगवान महर्षिकार, वो तेजस क्या है? बोलते हैं सौरेण पित्ताख्येन नाडीशयेन। यह सौर नाम का सूर्य की ऊष्मा के रूप में पित्त परिपक्व होता है और उस ऊष्मा से मन आक्रांत हो जाता है, मन अभिभूत हो जाता है। देखा जाता है कि शरीर की स्थिति से मन पर असर पड़ता है, देखा जाता है कि शरीर के जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो मन पर असर पड़ता है। शरीर की धातु का मन पर असर अवश्य पड़ता है और ये एक तरफा नहीं है बल्कि मन का फिर असर शरीर पर पड़ता है, शरीर की धातुओं पर पड़ता है और ये स्वाभाविक है क्योंकि सबका सब मिला करके है, सबका सब एक संघात रूप होने के नाते ये एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। तो अब यहां सुषुप्ति की घटना कैसे घट रही है इसका वर्णन करते हैं। बोलते हैं तो टिप्पणीकार को ही देखिए, तिरस्कृत इत्यादि, तिरस्कृत शब्द भी भाष्य में आएगा, पहले यहां देख लेते हैं। तो जब तेज से अथवा तो पित्त से अथवा अथवा सौर से जब मन अभिभूत हो गया तो क्या हुआ कि उसमें जो वासना का प्रस्फुरण हो रहा था वह प्रस्फुरण तिरस्कृत हो गया, वह प्रस्फुरण होना अवरुद्ध हो गया, झटका लग गया। मानो बोलते हैं स्वप्नात्मना परिणतौ वासना एव द्वारम यस्य तिरस्कृतम इत्यर्थः। माने जो वासना का द्वार बना हुआ था, द्वार माने जहां से व्यक्ति निर्गमन करता है और प्रवेश करता है, तो इसलिए द्वार शब्द का प्रयोग करते हैं। मन वासना का द्वार बना हुआ था, मन के जरिए ही वासना बाहर निकल रही थी, प्रस्फुरित हो रही थी, वो अवरुद्ध हो गया, तिरस्कृतम इत्यर्थ। और थोड़ा सा समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं या याद कराते हैं। दृष्टम ही बाह्य ऊष्माद्याक्रांतस्यापि विस्मरणादि। कभी कभी बहुत गर्मी होती है,
बाहर की भी ऊष्मा अगर कभी बहुत हो जाए तो संभव है कि किसी की स्मृति वहां पर काम न करे, विस्मरण हो जाए। ये गर्मी से भी होती है। हाँ जी, हाँ पक्का है। अगर आप गंगोत्री में दो लोटा पानी आपके मस्तिष्क पर डाल दिया जाए और उस समय कहा जाए सौम्य वेद पाठम कुरु, तो संभव है कि आपको वेद पाठ तो छोड़िए गुरु स्तोत्र ही ना आवे। मैं उत्तरकाशी में पहली बार गया और गुरुदेव ने कहा कि 10 बजे के पहले स्नान मत करना आप गंगा जी में। दिसंबर का महीना था और गंगा जी लहरा रही थी नील वर्णी बिल्कुल, आहा। और इतने दिनों से गंगा जी छोटी थी क्योंकि तो कोर्स के बाद हम वहां गए थे, तो हम प्रतीक्षा करते रहे 10 कब बजेगा कब बजेगा। जैसे ही 10 बजा मैं घुसा गया किनारे और कूद गया। अब लोग महात्मा लोग वहाँ तो नहा रहे थे मग से और कमंडलू से। मैंने कहा बताओ गंगा जी में बैठ करके कमंडलू से कोई नहाए ये कोई अच्छी बात है? तो मैं कूद गया महाराज। अब पता नहीं किस तरह से बाहर आ गया, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व तो नहीं है। एक पत्थर पर आया, थोड़ी देर बाद जो है वो जो आक्रांत हुई थी वासना द्वार कुछ पता नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे वो द्वार फिर से खुला, तब स्मरण हुआ कि मैं यहां हूं। तो ये लिखते हैं दृष्टम ही बाह्य ऊष्मादि आप आदि पद से ठंडा ले लेना है। बाह्य उष्मादि आक्रांतस्यापि विस्मरणादि तच्च, तो उसमें होता क्या है संस्कार अनुद्बोधात अनुद्बोधः च उष्मादि अनुद्बोधः उष्मादि आक्रमात इति। अभिप्राय यह हुआ कि पित्त की ऊष्मा से यह जो वासना का मन में प्रस्फुरण हो रहा था वह प्रस्फुरण तो यकायक अवरुद्ध हो गया। बस तो सुषुप्ति तो मनोलय में होती है लेकिन उसमें देह की भी भूमिका है, देह की धातुओं की भी अपनी एक भूमिका है, ऐसा श्रुति से भी पता लगता है और भाष्य से भी पता लगता है। असल में अवस्था त्रय जो आप मनन करते हो इसमें देह की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तक जीवन है तब तक संघात रूप ही है और उस संघात में केवल करण संघात नहीं है बल्कि कार्य करण संघात है। और इसीलिए स्वप्न में भी कोई भयानक दृश्य देखा व्यक्ति ने तो स्थूल देह पर उसका असर पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि जब आप स्वप्न में चले गए तो शरीर से आपका बिल्कुल संबंध नहीं रहा, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। इतना ही नहीं बल्कि सुसुप्ति में जाने पर भी देह का विस्मरण तो है लेकिन देह की असंबद्धता नहीं है। विस्मरण होना एक बात होगी और असंबद्धता होना तो बिल्कुल दूसरी बात होगी। हालांकि आरंभ में और ये सच्चाई भी है लेकिन इसमें ये चीजें जोड़ के समझने की बात है। आरंभ में ये कहा जाता है कि सुषुप्ति कारण शरीर की अवस्था है, कहा जाता है, पढ़ते हैं ना, पढ़ा होगा। तो नहीं ज्ञानेश्वर को नहीं देख के बोल रहे हैं, मैं तो उधर देख रहा हूं, उत्तर वहां से आना चाहिए। तो
आना चाहिए, अब तो आना चाहिए। तो कारण शरीरावस्था अभिमानी प्राज्ञ आप बोलते हो, फिर यहां सूक्ष्म शरीर से अभिमान करके सूक्ष्म शरीर की मुख्यतः अवस्था स्वप्न को माना गया और स्थूल शरीर की अवस्था तो जागृत को मानी गई। फिर ऐसा भी कहा गया कि स्थूल शरीर का व्यतिरेक हो जाता है स्वप्न में, ठीक। अब व्यतिरेक माने क्या, असंबद्धता, तादात्म्य तो रहेगा, विस्मरणम, इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा आपको। एक चीज पढ़ाई जाती है आपको और फिर उसमें जो डेटा ऐड होता जाता है उसको जोड़ करके फिर एक पूरा चिंतन बनाना चाहिए। तो अब देखो, इवन सुषुप्ति में केवल कारण शरीर की अवस्था है ये बोलना सुसंगत नहीं है। उसमें देह की भूमिका है, देह से संबद्धता है, देह की एक धातु के कारण ही वो सुषुप्ति घटी। ये ठीक है कि लयावस्था होने के नाते, बीजावस्था होने के नाते उसको हम कारण अवस्था बोल सकते हैं, उसका निषेध नहीं करना है। इसी तरह से शरीर का विस्मरण होने पर भी विषय विषयी भाव की उपलब्धि हो रही है तो मानना पड़ेगा कि वहां तो स्थूल शरीर की कोई भूमिका दिखती नहीं है सीधे सीधे, तो वो मन की ही स्थिति है, सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, मानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें विस्मरण को ध्यान में रखना है, असंबद्धता को नहीं। ये बोलते हैं जब आक्रांत हुआ मन तो क्या हुआ भाई, तिरस्कृत वासना द्वारो भवति। भाष्य देखें, वासना द्वार तिरस्कृत हो गया, बंद हो गया, तिरस्कृत वासना द्वारो भवति तदा, तब क्या हुआ, सहकरण ही मनस रश्मय हृदय उपसंहृता भवन्ति। तब इंद्रियों के साथ मन, वो रश्मि स्थानी कौन है, हाँ इंद्रियां, हाँ तो रश्मय मनस, कर्णों के साथ यह जो मन है वो हृदय में ही उपसंहृत हो गया, तो उपसंहार हो गया उसका। उपसंहार का अभिप्राय क्या करेंगे, हैं? नहीं, मन ने भी व्यवहार छोड़ दिया। ये उपसंहार का अभिप्राय होगा व्यापार से उपराम हो गया। ये इसको पिन पॉइंट करके समझते जाना है। इंद्रियां पहले ही व्यापार से उपराम हो गई थी, अब उन इंद्रियों के साथ जो मन बैठा हुआ था, जो व्यापार कर रहा था, अब मन ने भी व्यापार छोड़ दिया। तो लेकिन मन है कहां, खत्म हो गया, नहीं, हृदय, हृदय में ही वह उपसंहृत होकर के बैठा है, क्योंकि हृदय उसका गोलक है। हृदय उसका गोलक है, कम लिखिए, समझिए इसको। रश्मय हृदय उपसंहृता भवन्ति यदा, अब देखो कैसा दृष्टांत देते हैं, यदा मनः शरीरम व्याप्यावतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। ये छोटा वाक्य है, यदा मनः, मिला यदा मनः, बोले शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। जब मन शरीर को व्याप्त करके बैठता है तब उसको सुषुप्ति बोलते हैं। अब ये क्या अभिप्राय हुआ कि सुषुप्ति के पहले आगे जो है, मैंने स्वप्न में शरीर व्याप्त नहीं करता मन,
जागृत में नहीं करता? नहीं, जागृत में आगे आएगा प्रसंग, मुख्य रूप से मन का जो निवास है वो है दक्षिण नेत्र, ऐसा बोलते हैं। स्वप्न में जो मुख्य रूप से निवास है उसका वो है पुरीतत नाड़ी। अब श्रुति ने कहा है मन को गोलक चाहिए, भले ही सामान्य रूप से मन पूरे शरीर में व्याप्त है लेकिन उसके बाद भी वो उदान वायु के कारण है। इन चीजों को आपको खुद भी मनन करके समझना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी वह एक देश में इंगित किया गया है, पुरीतत नाड़ी में उसका निवास है। अब कहते हैं सुषुप्ति में वह नाड़ी विशेष में न होकर के अब पूरे शरीर में व्याप्त होकर के शरीर के साथ एकीभूत होकर के हैं, शरीर के साथ मानो मिल गया वो मन जो है वो मानो शरीर रूप हो गया। ये देखो उसकी पृथक से कोई पहचान नहीं हुई। अब ये कैसी घटना घटी, विचित्र है। कार्य कारण में विलीन होकर के अभिन्न हो जाता है, ये बात तो समझ में आती है। इंद्रियां मन में विलीन हो गई तो मन से अभिन्न हो गई, ये तो समझ में आता है। अब यहां क्या हो रहा है, मन शरीर में मिल करके बैठा। उसका अभिप्राय है कि मानो मन शरीर से अभिन्न हो गया, एकम एक हो गया, मन की पृथक से कोई पहचान शेष नहीं बची। अब ये लिखते हैं तदा सुसुप्तो भवति, तब उसको सुसुप्ति कहते हैं। अब पूरा वाक्य देखें, यदा मनः, दृष्टांत इसीलिए दिया, बोलते हैं यदा मनः दारु अग्निवत, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। जैसे लकड़ी में आग होती है, कहाँ होती है, पूरे में होती है, पृथक से उसकी कोई पहचान नहीं। लकड़ी के कण कण में, पोर पोर में, लकड़ी के अणु अणु में अग्नि विद्यमान है, अग्नि की पृथक कोई वहां पहचान नहीं दिखाई देती है। उसको छू सकते हैं, माने अग्नि वहां पर काष्ठ रूप हुई पड़ी है, उसको छू सकते हैं, उस पर बैठ सकते हैं कुर्सी बना करके हैं, और टेबल बना करके उस पर अपनी किताब रख सकते हैं। किस पर, अग्नि के ऊपर। लो, अरे इतना तो फिर भी ठीक है, आप जगे हुए हो, कुछ हो जाए तो आप तुरंत ही कुछ करोगे, लेकिन उसी लकड़ी पर सो जाते हैं लोग रात को। और कभी मानो वो जो है अग्नि उस लकड़ी में से निकल आई, सोते समय निकल आई तो बड़ी मुश्किल हो जाए। ये दृष्टांत दिया है। अब जरा इसको घटाओ अपने दृष्टांत में, मन अग्नि स्थानी है और शरीर दारुस्थानी हुआ, लकड़ी के स्थान पे हुआ। तो मन शरीर के साथ इस तरह से सुसुप्ति में मिल जाता है कि न तो उसमें एक देशीयता दिखाई देती है और न तो मन का कोई प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अग्निगत नहीं, काष्ठगत अग्नि का कोई पृथक से प्रभाव नहीं दिखाई देता, इसी तरह से सुषुप्त व्यक्ति जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो उस समय देह तो दिखता है हाँ, लेकिन देहगत मन की कोई भूमिका ऐसे सीधे सीधे दिखती नहीं, लेकिन वहीं पर फिर से मन को प्रकट किया जा सकता है, जैसे दारू में से अग्नि को प्रकट किया जा सकता है। ये दृष्टांत है।
पर मनन करिए। बोलते हैं यदा मनः दारु अग्निवत अविशेष विज्ञान रूपेण। अग्नि जब विशेष होती है तब तो उसमें दाहकत्व होता है, तब उसमें लव होती है, लपट होती है। अविशेष हो माने अग्नि होते हुए भी सामान्य हो, उसमें किसी प्रकार का एक दीयशीयता, एक व्यवहार विशिष्ट मालूम नहीं पड़ता, तब उसको बोलेंगे अविशेष। तो दारु अग्निवत अविशेष विज्ञान रूपेण कृत्स्नम शरीरम, कृत्स्नम माने संपूर्ण, हाँ कृत्स्नम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। तो सुषुप्ति की तो विचित्र व्याख्या हो गई, यहां पर विलक्षण व्याख्या हो गई। आरंभ में हमने पढ़ा कि कारण अवस्था में गया है मन, हमने पढ़ा कि कारण शरीराभिमानी हो गया मन, बीजावस्था में गया, और यहाँ श्रुति माता कहती हैं और भगवान भाष्यकार उस पर व्याख्या भी करते हैं कि मन तो कारण शरीर में मिलने की बजाय हैं शरीर में मिल गया, आनंदम परमानंदम। अब शरीर में न मिला होता तो शरीर हिलाने से पैदा कैसे होता महाराज? मान लो अगर वो कारण शरीर में चला गया हो और हम आपका देह हिलावें, आप जगने का नाम न लो, क्यों भाई? इंद्रियां तो मन में चली गई थी और मन फिर चला गया कारण शरीर में, अब आपको कांटेक्ट कैसे करें? इस तरह से तो फिर बाहर से आदमी को जगाया नहीं जा सकता। जब फिर वो जो वासना बीज है परिपक्व होके अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख होगा, तब वो मन फिर सूक्ष्म शरीर में आएगा, फिर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आएंगे, तब कहीं जा करके आप जगोगे। तो अगर ऐसी दशा या ऐसी दुर्दशा कोई भी कह सकते हो आप, ऐसी स्थिति तो है नहीं, ये तो बड़ा अघटन घटना हो जाएगी। अब ये सो गए माने गए हाथ से, अब तो ऐसा अनुभव नहीं है। अनुभव होता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी गहरी निद्रा में हो, बाहर से संवेदना का संप्रेषण हो सकता है। जब आप संप्रेषण करते हो तो उसको रिसीव करने वाला वहां पर कोई न कोई होना चाहिए। कौन है वो? शरीर में मिला हुआ मन है, और इसलिए निश्चेष्ट रहता है शरीर तो मन उसमें मिला रहता है। लेकिन शरीर का जब क्षोभ होता है, हिलाने का मतलब क्या हुआ कि शरीर को क्षुब्ध किया, तो वह जो मन है जो विश्राम कर रहा था शरीर से एकीभूत होकर के, वह भी क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध हुआ, जग गया, व्यापार करने लग गया। तो अनुभव से फिर इस व्याख्या की संगति लगानी है, और अगर यह व्याख्या उपलब्ध न हो तो इस अनुभव की फिर संगति कैसे लगाएंगे कि बाहर से व्यक्ति को कैसे जगाया गया? गीता जी में इसको संघात चेतना बोलते हैं। यह जो मन है उसकी एक स्थिति ऐसी है कि कार्य करण दोनों संघातों में भरपूर होकर के रहता है। सुसुप्ति काल में चूंकि करण संघात व्यापार से उपराम हो गया, हाँ तो संघात चेतना कहाँ है? कार्य कार्य में एकीभूत होकर रहती है। अब संघात चेतना चूंकि देह व्यापी होकर के बैठी है,
देह को जब आप क्षुब्ध करते हो तो संघात चेतना आंदोलित हो जाती है, संघात चेतना में उद्वेलन हो गया और फिर वो करण संघात भी जग जाता है और व्यापार करने लगता है। इसलिए साधु उक्तम, बिल्कुल बढ़िया कहा है भाष्यकार ने, क्या कि कृष्णम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते यदा तदा सुसुप्तो भवति। जब मन की ये दशा होती है तभी उसको हम बोलते हैं सुषुप्ति। अत्र एतस्मिन काले, अत्र शब्द श्रुति का है और देशवाची है जनरली, तो अत्र शब्द का अर्थ देश से संबंधित होता है, लेकिन भाष्यकार ने कहा यहाँ देश का तो कोई मतलब नहीं है, काल से लेना चाहिए। अत्र देखें, अत्र एतस्मिन काले, इन बातों पर ध्यान जाना चाहिए कि भाष्यकार ने श्रुति का कहाँ कैसे अर्थ कर दिया। अत्र एतस्मिन काले देवः स्वप्नान् न पश्यति, कहते हैं देवः कौन है, मन आख्यः, एष मन आख्यो देवः स्वप्नान् न पश्यति। न पश्यति का मतलब है दर्शन द्वारस्य निरुद्धत्वात् तेजसा, तेज के द्वारा दर्शन का द्वार निरुद्ध हो जाने के कारण वासना का प्रस्फुरण नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो मनोदेव हैं ये स्वप्न नहीं देखते। अब क्या हुआ फिर, वैसी ऐसी घोषणा है जिस पर साधक को आश्चर्य भी होता है और मनन भी करना आवश्यक होता है। लिखते हैं अथ, इसके बाद तदा, जब ये हो गया तब एतस्मिन शरीरे एतत् सुखम भवति। लो जी, प्रश्न क्या था, कस्य एतत् सुखम भवति, उत्तर क्या हो रहा है, शरीरे सुखम भवति, और कौन सा शरीर, एतस्मिन शरीरे, जिस शरीर में मन सामान्य रूप से स्थित हो गया है, मन अविशेष भाव को प्राप्त होकर के देहव्यापी होकर के अवस्थित है उस शरीर में, माने शरीर की एक दशा विशेष में, मन की एक दशा विशेष में सुखम भवति। अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। अब ये सुख क्या है, श्रुति है ये, क्या लिखते हैं, तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, श्रुति का शब्द है। भाष्यकार बताते हैं सुख कैसा है, एतत् सुखम भवति यद विज्ञानम, यह विज्ञान, जो विज्ञान, यद विज्ञानम निराबाधम, अबाध विज्ञान है, अबाध विज्ञान का मतलब हुआ जिसमें विषय विषयी भाव का खंड नहीं है, जहां पर यह आयास नहीं रहा, एक ही विज्ञान विषय बन रहा है और विषय बन रहा है, विषय बन रहा है, विषय बन रहा है, इस प्रकार का जहां पर आयास नहीं है, खंड खंड नहीं है, बाध नहीं है, एतत् सुखम भवति यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम। यह विज्ञान माने शरीर को सुख होता है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, शरीर में सुख होता है ये कहा जा रहा है, और शरीर में सुख होने का अभिप्राय है शरीर की एक दशा विशेष में सुख हो रहा है। निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति इत्यर्थः। एतस्मिन् काले, भाष्य आगे देख,
एतस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्य करणानि शांतानि भवन्ति। इस काल में, सुसुप्ति काल में, ये जो कार्य करण हैं ये कैसे हैं, शांत हो जाते हैं। एतस्मिन् काले कार्य करणानि शांतानि भवन्ति। बिल्कुल सारे के सारे अपने अपने व्यापार से उपराम हैं, आयास राहित्य की स्थिति है। ये कार्य कारण कैसे हैं, कार्य करण कैसे हैं, बोले निबंधित हैं, ये तो बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? अविद्या काम कर्म। ऐसा कोई करण नहीं है जो इस बंधन से अनुबंधित नहीं है। और कार्य माने शरीर, यह शरीर भी कर्म से बंधा हुआ है। तो शरीर भी कर्म से बंधा हुआ है, करण भी कर्म से बंधे हुए हैं। कर्म इच्छा से बंधा हुआ है और इच्छा अविद्या से बंधी हुई है। यहाँ वासना नहीं है, यहाँ शब्द है अविद्या। ध्यान रखना इन शब्दों का, एक शब्द का उस समय इतना महत्व होता है तो दूसरे शब्द देने से गड़बड़ हो जाती है। ये तो प्रमाण व्यापार चल रहा है ना, तो इसमें कोई शब्द के साथ हम हेर फेर नहीं कर सकते। इच्छा अविद्या से अनुबंधित है और कर्म इच्छा से अनुबंधित है, और कर्म से अनुबंधित है फिर कार्य भी और करण भी। इसका अभिप्राय क्या बताना चाहते हैं भाष्यकार, कि कार्य करण वैसे तो परतंत्र है, कर्म के अधीन हो गए, लेकिन इसके बावजूद सुषुप्ति काल एक ऐसी दशा है जब मन में किसी प्रकार का व्यापार नहीं है, कार्य करण दोनों ही शांत हो गए हैं, अनुबंधन उनका टूटा नहीं, वो अभी भी कर्म से बंधे हुए जरूर हैं, लेकिन फिर भी इस समय एक दशा प्राप्त हो गई जब तो ये शांत हैं, उपराम हैं। शांतानि भवन्ति तेषु, अभी देखना इस सुख की व्याख्या हो रही है, तेषु शांतेषु, ये जो कार्यकरण है जो शांत हो चुके हैं उनमें स्वात्म आत्मरूप आत्मस्वरूप स्वरूपम उपाधिभिः अन्यथा विभाव्यमानम् तेषु शांतेषु, उस उन कार्य करण करणों की जो शांत अवस्था है उस शांत अवस्था में सुखम भवति। अन्यथा तो आत्मस्वरूप उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमानम्। क्या विभाव्यमानम्? अद्वयम् एकम् शिवम्। यह जो आत्मस्वरूप है वो उपाधियों के कारण कुछ और ही भासता रहा है, उपाधि भी ही अन्यथा विभाव्यमानम्, उपाधियों के कारण जो अन्यथा रूप में विभाव्यमान प्रतीयमान अनुभूयमान होता है, कौन होता है वो? आत्मस्वरूपम्। ये अन्यथा विभाव्यमानम् किसके लिए कहा गया? आत्मस्वरूपम् के लिए। आत्मस्वरूपम् एव शब्द जोड़ लो, आत्मस्वरूपम् एव अन्यथा विभाव्यमानम्।
ये क्यों अन्यथा विभाव विमान हो रहा था? उसका निमित्त कौन है? उपाधि भी ही। अब क्या हुआ? बोले उपाधियां शांत हो गई, सुषुप्ति में उपाधियां शांत हो गई, तो उपाधियों के कारण ही वो अन्यथा विभाव विमान हो रहा था। समझे पहले, उपाधियों के कारण ही वो अन्यथा विभाव विमान हो रहा था, तो उपाधियां शांत हो गई, तो जो उसका अन्यथा भासना था वो बंद हो गया। आत्मा का ही अन्यथा भासना बंद हो गया, अब उसकी स्थिति फिर से कैसी रही? जैसी है वो। अन्यथा अगर भासित नहीं होगा तो यथा भासित होगा। तो कैसा है वो? बोलते हैं शिवम। शिवम किसका विशेषण है? आत्मस्वरूपम का। हाँ, आत्मस्वरूपम का ग्रंथ में सावधानी रखनी चाहिए। शिवम आत्मस्वरूपम, शांतम आत्मस्वरूपम भवति। ये तो उसका अपना स्वरूप है। भवति का मतलब है अन्यथा विभाव्यमानता शांत हो गई। बस क्यों अन्यथा विभाव्यमानता शांत हो गई? ज्ञान के कारण नहीं, उपाधियों के शांत हो जाने के कारण। तो ये क्या हुआ? बोले ये टेम्परेरी इलाज हुआ। यही हुआ ना, क्योंकि जो उसको अन्यथा रूप से दिखा रही थी उनको आपने तो शांत कर क्या दिया, प्राकृतिक रूप से शांत हो गई। तो चूंकि उपाधियां शांत हो गईं, इसलिए उसका अन्यथा भासना बंद हो गया, इसलिए जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा वो स्थित हो गया। यह बात सुषुप्ति में प्राकृतिक रूप से सिद्ध हुई, समाधि में साधना से सिद्ध की गई। वेदांत ने क्या किया? वेदांत ने कहा कि उपाधियों से आत्मस्वरूप अन्यथा भासित भले होता हो, लेकिन अन्यथा हो नहीं जाता। बस इसलिए जब वो अन्यथा भासित हो रहा होता है, उस समय भी वो शिवम शांतम है। इसलिए उसकी शिवता काल की अपेक्षा नहीं रखती, ठीक है, देश की अपेक्षा नहीं रखती और किसी प्रकार की क्रिया की अपेक्षा नहीं रख सकती। वेदांत ने उपाधियों का ही बंटा ढार कर दिया महाराज। बस बोले केवल ऐसे ही भास रही हैं, इनके धर्मों का अध्यारोप हो रहा है, यह आत्मा को अन्यथा प्रस्तुत नहीं कर सकती। चाहे जितनी मर्जी तेज धारा बह रही हो रेगिस्तान में जल की, चाहे जितना बड़ा जलाशय दिखता हो रेत में, लेकिन उस जलाशय से उस मरुभूमि के रेत का एक कण भी गीला नहीं हो सकता। नारायण, अन्यथा विभाव विमान तो है वो। जहां रेत है वहां जलाशय दिख रहा है, तो अन्यथा विभाव विमानता तो वहां है, लेकिन अन्यथा भासित होने से वो गीला थोड़ो हो गया। वेदांत का ये कहना है, सुषुप्ति ने प्राकृतिक रूप से शिवता दे दी, समाधि में आपने साधना से उसको बना लिया। हो बना लिया, ये भी कितना बड़ा अधिकार प्राप्त है आपको। आप चाहो तो बना लो, उसका लाभ है।
और वेदांत ने कहा कि हुआ ही नहीं था तो बनाना बिगाड़ना क्या है, ये बोलते हैं। शिवम शांतम भवति इति एताम अवस्थाम। अब यह जो अवस्था है आत्मा की, उसमें पृथिव्यादि अविद्या कृतमात्रानुप्रवेशेन दर्शयितुम दृष्टांतम। उसमें सारे प्रपंच का प्रवेश हो गया, पृथ्वी आदि का भी, इस बात को दृष्टांत से दिखाते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे। शिष्यते ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।